नमस्ते नमस्कार, मैं हूँ आपका पुष्कर और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भैया देखो, बात कुछ ऐसी है कि आज हम आए हैं गणपति के वर्कशॉप में और ये एक बहुत ही अच्छा वर्कशॉप है यहाँ पे अनुप्रिया आर्ट्स नाम से। और ये मेरा एक दोस्त है अथर्व, जो कि एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। इसे ये सब चीज़ें करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है और इसका एक इंस्टा पे पेज भी है, आर्ट बाय अथर्व। तो इतने मस्त इसने स्केचेस उस पर बनाए हैं, तो ज़रूर जाके देखिए, इसका जो इंस्टा आईडी है वो चेक कीजिए। और हमारा भी है एक इंस्टा आईडी, तो है डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे दूँगा दोनों के, तो जाके चेक कर लो, फॉलो भी कर लो। और अभी हम आए हैं इस आर्ट गैलरी में, तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे गणपति बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, पेंटिंग वगैरह कैसे होता है, सब देखेंगे। यहाँ पे जो इनके ओनर है, इनका भी एक इंटरव्यू लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पीछे अंकल है ये ओनर है और ये सब यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये जो आर्ट गैलरी है, इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको कभी भी इस साल, अगले साल कभी भी अगर आपको गणपति की मूर्तियाँ बनानी हो, तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा और चेक कीजिएगा। तर चला मग बघूया। तर आपल्याबरोबर या वर्कशॉपचे मालक आहेत, सो त्यांना आपण काही प्रश्न विचारूया। तर तुमचं नाव काय सर? बरोबर, माझं संपूर्ण नाव वगैरे सुधीर खेडकर। अच्छा, बरोबर। आणि तुम्ही किती वर्ष झाले हे वर्कशॉप चालवताय? जवळजवळ 25-30 वर्ष होऊन गेले चालवते, पाचवी पिढी आहे। बरोबर, बरेच वर्ष तुमचं चालू आणि इथेच चालू आहे बरेच वर्ष। बरोबर। आणि साधारण किती मूर्त्या बनवल्या जातात? साधारण 5,000 मूर्त्या बनवल्या जाते। बापरे, 5,000 प्रत्येक वर्षी असते। आणि साधारण एका मूर्तीला बनवायला वेळ किती लागतो? पेंटिंग करायला आम्ही लॉटवर असतो, 25 लॉट 50 लॉट अशा हिशोबाने 2-3 दिवसात आम्ही तेवढं कम्प्लीट करतो। आणि साधारण एका मूर्तीला खर्च किती होतो? पेंटिंग सगळं सामान कसं, लहान मोठी साईज असते, हा हा, 9 इंचापासून 1 फूट 2 फूट साईज असून त्यानुसार मग ते चाललेलं असतं। बरोबर। तुम्हाला कसं वाटतं गणपतीचे, जेव्हा तुम्ही रंगकाम करता किंवा जेव्हा बनवत असता, तेव्हा तुम्हाला कसं वाटतं? गणपती काम बनवत आम्ही सगळ्याबद्दल काही नाही, थोडंफार बाजार सगळं वाढल्यामुळे काय होते, तेवढा रेस्पॉन्स भेटत नाही। तरी आम्ही याकडे मूर्ती 2,500-3,000 सांगितली, ती आम्हाला निम्या किमतीने मागते। बाजाराच्या दृष्टीने आम्ही विचार केला तर आम्ही मागच आहे, जसे पाहिजे तशी रेट भेटत नाही, भेटत नाही। तर लक्षात घ्या की हे जे लोक आहेत, हे जे कलाकार आहेत, ते तुमच्यासाठी खूप काम करतात, ते खूप मेहनत करतात गणपती बनवण्यासाठी, त्याच्यामध्ये जे डेडिकेशन आहे ते तुम्ही लक्षात घ्या। आणि जनरली जेव्हा याल तेव्हा जास्त बार्गेनिंग करू नका, मनापासून ते सुद्धा मूर्त्या बनवतात, तुम्ही पण घेताना जास्त विचार न करता त्यांच्या मेहनतीचं जे चीज आहे ते व्हायला पाहिजे, त्यांना तेवढं त्याच्यात मोबदला मिळाला पाहिजे, तर हे तुम्ही लक्षात घ्या। आणि धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी बोलले। Thank you.
कि हम जिस एरिया में हैं उसे कहते हैं कस्बा पेट, और यहाँ पे काफ़ी वर्कशॉप्स है। तो अभी हम आए हैं एक दूसरे वर्कशॉप में जिसका नाम है डार्कवे आर्ट्स। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है क्या नहीं। ये जो जगह ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, जो पेशवे थे उनके तो ये जो जगह है ये बहुत ही पुरानी है, मतलब पेशवा के ज़माने से ये जगह यहाँ पे है, और बहुत ही पुरानी ऐसी ये जगह है, और काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई जाती है। जो भी कलाकार होता है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो आँखें होती है, जो भी छोटे छोटे पेंटिंग्स की जगह होती है, तो उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो ये डार्कवे आर्ट्स का वर्कशॉप है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है। तो बस चलते हैं। वर्कशॉप है वो देख के हो चुका है, काफ़ी अच्छा वर्कशॉप है यहाँ पे भी। और अगर आपको कभी आना है तो कस्बा पेठ में आइएगा, यहाँ पे दो तीन वर्कशॉप्स है जो हमने देखे थे। तो अगर आपको कभी भी गणपति की जो मूर्ति है इनकी ज़रूरत होगी तो यहाँ पे आइएगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो स्टेयर्स है यहाँ पे, ये भी पेशवाकालीन है, मतलब बहुत ही पुराने ऐसे स्टेयर्स है। मैंने जब पहली बार देखा तो मुझे सबसे पहले लगा ये तो कोई मतलब ऐसे दीवार टाइप ऐसा कुछ होगा, लेकिन नहीं, ये यहाँ की स्टेयर्स है। सो बस ये व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मेरे साथ है यहाँ पे अथर्व बिहाइंड द सीन्स शूट करते हुए। तो आपको कैसा लगा ये जो वर्कशॉप्स वगैरह है, आपको कैसे लगे? बहुत अच्छा। आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ। हाँ वो तो कर दो, बस सब्सक्राइब कर दो, हम बस मतलब बनाते रहते हैं आपके लिए वीडियोस। और इसका भी इंस्टा और यूट्यूब के दोनों के लिंक मैं दे दूंगा, बहुत ही अच्छे स्केचेस बनाता है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सब्सक्राइब कर दो मेरे को भी। हाँ सबको 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 सब्सक्राइब कर दो, सही है। तो चलो मैं निकलता हूँ और आपको मिलता हूँ एक ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय। शूटिंग करतो थोडा ओके, काय प्रॉब्लेम नाही ना? नाही ना, इथं कसला प्रॉब्लेम, इथं काय अनुभव म्हणतात काय? आम्ही तिथे लांजे करा।